खेल के दौरान चोट, सिरदर्द एवं चिड़चिड़ापन, वजन कम करना, मधुमेह में नस कमजोर होना, मोच एवं एड़ी का दर्द, चेस्ट फिजियोथेरेपी, फिटनेस ट्रेनिंग। हमारा पता है अलका क्लिनिक, स्टेट बैंक रोड, जिला अस्पताल सीधी, मध्य प्रदेश, निजी निवास, नूतन कॉलोनी, संस्कार स्कूल, मौर्य किराना स्टोर के पास सीधी। संपर्क कर सकते हैं फोन नंबर में 9425 88 60 40। अत्याधुनिक मशीनों से युक्त सीधी का एकमात्र फिजियोथेरेपी क्लिनिक। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। सीधी जिला के अपराध जगत के तीन बड़ी खबर लेके हाजिर हैं अपना पंचन के सेवा में, जो उन्होंने अपना पंचन को बताया दी कि आज जो है कमरजी थाना अंतर्गत जो है SC ST मारपीट के मामला में 5 माह से फरार आरोपी का कठास सिमरिया से गिरफ्तार किया गया है। जो उन्होंने अपना पंचन को बताया दी कि धारा 326 IPC के आरोप में जो है 7-5 लोगों का आरोपी का जो है न्यायालय में पेश कर दिन का रहा। 2 आरोपी फरार रहे, जो मां राजकली साहू पति जग्ञसेन साहू उम्र 40 साल और उर्मिला साहू पति सुनील साहू 24 साल, दोनों जो निवासी जो है कोलूडी थाना कमरजी के आई, जिनका जो है दिनांक आज जो है कठास चौकी समरिया सीधी से गिरफ्तार करके जो है न्यायालय में पेश किएगा और दोनों आरोपी का जो है जेल भेज दिएगा है। अपना पंचन का अब अगली बड़ी खबर यह है कि रामपुर नैकिन में बेहद बड़ी कार्यवाही है, जो 6 स्थायी वारंटी का जो है गिरफ्तार किएगा और पहुंचावागा जेल। जो ने अपना पंचन को बताया दी कि आज दिनांक का थाना प्रभारी रामपुर नैकिन का अलग अलग जगह से सूचना मिली, जो ने दुई टीम गठित करके एक उप निरीक्षक उर्मिला हिरबार तथा सहायक उप निरीक्षक इंद्रवली सिंह के नेतृत्व में आरोपी की गिरफ्तारी हेतु रुबाना किनगा रहा, जो टीमन के द्वारा तत्परता दिखावत किन क्रमशः 4, 2 और 6 स्थायी वारंटी जो है तामिल किनगे हैं। जो ने अपना पंचन को बताया दी कि राम जियामन पिता राम कुमार कोल निवासी हत्था रामपुर नैकिन, ममता पति नीरज पटेल उम्र जो है 27 वर्ष निवासी झलवार थाना रामपुर नैकिन, तीसर है रमेश केवट उर्फ चुनका केवट पिता जो है राम शिरोमण केवट उर्फ राम खिलामन केवट निवासी ग्राम मझियार थाना रामपुर बघेलान, प्रवीण कुमार तिवारी पिता राम निवास तिवारी उम्र 30 वर्ष निवासी रामपुर बघेलान जिला सतना, राम बालक पटेल पिता राम सिंह पटेल 40 वर्ष रखौंधा थाना बिरसिंहपुर जिला सतना। इस सलगे आरोपी का जो है आज गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया है। जो ने मां आरोपी रमेश उर्फ चुनका केवट के विरुद्ध 2 प्रकरण जो है न्यायालय में स्थायी वारंट जारी रहा, जो ने मां समस्त आरोपी का न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया है। अब अगली बड़ी खबर है कि पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो है सीधी पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के द्वारा लगातार जो है अनूठी पहल जो है पहल आयोजित की जा रही। हालात यह हैं कि अब लगातार जो है ग्राम सभा कह के गाँव में उत्थानन में जाए के जो है पुलिस अधीक्षक के द्वारा जनता से सीधा संवाद की जात है। जौने माँ आज के यह सीधा संवाद थाना मिलिया में आयोजित हुआ। जौने माँ पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो है जनता से सीधा संवाद किएगा और साफ तौर में उनके द्वारा जो है जो प्रमुख गतिविधि है उसके बारे में लोगों से चर्चा किएंगे। जौने माँ नशे के अवैध कारोबारी पर शिकंजा कसे की तिर, अवैध शराब गांजा कोरेक्स जैसा नशा के व्यापारी के विरुद्ध जनता का जो है पुलिस के साथ एकजुट हो की तिर कहागा तथा चोरी के वाहन नाबालिग लड़कियों के गुमशुदी और जमीनी विवाद घरेलू हिंसा संबंधी महिला संबंधी अपराध तथा गांव में भारी वाहनों के आवाजाही अवैध रेत उत्खनन और अवैध गतिविधि संबंध में पुलिस का सूचना दे वाले लोगों का प्रोत्साहित किएगा। तो मतलब यह लगातार जो है सीधी पुलिस अधीक्षक के अभिनव प्रयास जारी है थाना में जाए के जनता से सीधा संवाद करके कहों कहों पुलिस और जनता के बीच जो एक खाई है वो का पाटे के काम कर रही है। वह खाई पटे के बाद जो है कहों कहों एक अच्छा माहौल जो भय युक्त माहौल मतलब अपराधी या पुलिस से खौफ खाएं और आम जनता कहों ना कहों या पुलिस के सहयोगी बने और अपराध का खत्म करें माँ कहों ना कहों पुलिस के कंधे से कंधा मिला के चले तब जाए कि यह माना जाए कि पंकज कुमावत के या जो पहल है यह सफल मानी जाए और निश्चित तौर पर पंकज कुमावत सीधी के पुलिसिंग में एक कसावट के काम कर रहे हैं जो लगातार जारी है। तो यह में छोट बड़ी हर खबरें खितिर बने रहिए MP संदेश न्यूज 24 के साथ। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।